दोस्तों, बिग बॉस की लाइव फीड में एलिस कौशिक और रजत दलाल की जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। एलिस कौशिक ने नायरा बनर्जी पर इल्जाम लगाते हुए कहा, जो नायरा अपने आप को घर की कैप्टन टर्न समझ रही है और हर किसी को ऑर्डर दे रही है, वो बिल्कुल गलत है। वो इस घर की कैप्टन नहीं है, फिर भी कप्तान बनने की कोशिश कर रही है। हमें कौन सी ड्यूटी करनी है, हम अपनी मर्जी से करेंगे, लेकिन मैं उसी से नहीं करने वाली हूँ। इस पर रजत दलाल ने जवाब दिया, नायरा बनर्जी मुझे काफी अच्छी और मेच्योर लगती है। हर बार घर के अंदर कोई बर्तन कहाँ रख देता है, आप प्लेट कहाँ रख देते हैं, उसकी बातें भी सही हैं। लेकिन उसे हर बार ऑर्डर नहीं देना चाहिए, रिक्वेस्ट भी कर सकती है। गलत करने वाले को ही बोलना चाहिए, हर किसी को नहीं। और मुझे लगता है कि नायरा दिखने में और दिमाग से दोनों ही काफी स्मार्ट है। एलिस कौशिक भी रजत की बातों से सहमत होती दिखी। इसके साथ ही एलिस ने चाहत पांडे और रजत दलाल के झगड़े पर अपनी राय देते हुए कहा, चाहत पांडे फुटेज के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, हमें उसे फुटेज देने की जरूरत ही नहीं है। इस पर रजत ने कहा, अगर वह बार बार मारती है, कभी अनार कभी सेब, और हम उसे कुछ रिप्लाई नहीं देंगे, तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मैंने कहा, एक दो बार मारा, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन हर बार मारेगी तो भाई कुछ तो बोलना पड़ेगा। एलिस ने भी रजत की बात पर सहमति जताई और कहा, तेरी बात सही है और मैं 100% सहमत हूँ। दोनों की बातें एक घंटे से ज्यादा चली, लेकिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में रजत और एलिस की दोस्ती और भी गहरी हो सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।